हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी फॉर वीटेक। और आज के वीडियो में मैं आपको बोट एयरडॉप्स 131 के बारे में बताऊंगा, इसके फीचर्स और इसमें आपको कितने बैटरी बैकअप मिलती है, क्या इसकी प्राइस है और आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इन द बॉक्स के बारे में। हमारे पास इसमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये आपका बोट एयरडॉप्स 131 है और डिज़ाइन इज़ क्वाइट गुड। नेक्स्ट यू गेट इसमें इज़ दैट टाइप सी चार्जिंग केबल। इसका जो साइज़ है, दे कुड हैव गिवन मच बिगर साइज़। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज़ इज़ स्मॉल। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसमें आपका ये वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड इसमें दिया गया। तो ये सब साइड करते हैं और अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस ये आपका जो केस है, ये आपका सिमिलर टू दैट ऑफ एप्पल एयरपॉड्स है। और इसमें क्या है कि इसका जो फ्रेम है, ये आपका ग्लॉसी प्लास्टिक फ्रेम है और बॉटम में आपको ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया, दैट इज़ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। And you get a 3 LED indicator here. This shows the charging capacity of this case accordingly. If it's fully charged, the 3 dots will light up, and if it's uncharged, then these will not light up. So if I talk about its charging time, it will take around 2 hours to charge from 0 to 100, and the battery capacity of this case is of 650 mAh. So the battery capacity is quite good. It takes around 0 to 2 hours to fully charge, and it gives the playback time of around 15 hours. So in that case, it's quite good in terms of battery capacity. If I open the case, you get earbuds here, and if I talk about the battery capacity of these earbuds, so these are also quite good. Boat says that a 5 minute of charging of these earbuds gives you 1 and 1.5 hours of playback time. और जब मैंने भी use किया तो it definitely gave that much of time. 5 minutes के charging में आपको ये 1 and 1.5 hours का playback time दे देता है। तो battery capacity काफ़ी अच्छा है और charging capacity भी काफ़ी सही है। इसके design की बात करें तो ये design similar to that of Apple AirPods है। और टॉप में यू गेट द बटन्स इन दिस ईयरबड्स एंड इन बॉटम देयर इज़ अ माइक गिवन हियर। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स फिटिंग क्वालिटी, तो इट परफेक्टली फिट्स इन योर ईयर एंड यू वोंट फाइंड एनी डिसकम्फर्ट वाइल यूजिंग इट। कम्फर्ट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको इरीटेशन वगैरह का फील नहीं होगा, आपको फील नहीं आएगा कि आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं। तो उस हिसाब से कम्फर्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, मतलब उसमें इशू नहीं है बिल्कुल भी। After its design and build quality, let me tell you about the function of these buttons. तो इसमें जो आप buttons देख रहे हो back में, आप single press करोगे तो ये आपका play pause का काम करेगा, और आप इसे double press कर सकते हो for forward and backward। आप left वाले को double press करोगे तो ये आपका backward वाले songs को play करेगा, और front वाले को double press करोगे तो ये आपका जो next song है वो play करेगा। तो double press से आपका forward backward option use होता है, और आप अगर इसे press and hold किए रहोगे तो ये आपका वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो ये काफ़ी कूल फीचर है, वॉइस असिस्टेंट से आपको अगर कुछ कराना है और अपने ईयरबड से कनेक्टेड हो अपने फ़ोन में, तो यू जस्ट नीड टू प्रेस एंड होल्ड फॉर अ वाइल एंड द वॉइस असिस्टेंट विल स्विच ऑन, और समवन इज कॉलिंग यू, फॉर दैट यू नीड टू जस्ट सिंगल प्रेस टू डिसकनेक्ट द कॉल। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस बटन्स। आफ्टर दिस आई विल टेल यू अबाउट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया, जो कि लेटेस्ट है। और इसमें आप सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो है आपका इसमें IWP टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है कि आपने अगर अपने मोबाइल से इस ईयरबड्स को कनेक्ट कर लिया है तो आप एज सून एज अपने केस को ओपन करोगे तो ये इंस्टेंट IWP टेक्नोलॉजी जो है, उससे ये आपका इंस्टेंटली 5 to 10 seconds में आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ है, दैट इट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विद योर मोबाइल फ़ोन। बस ये कंडीशन है कि आपको पहले इससे एक बार कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इट्स वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो ये आपका जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपका ईयरबड्स से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जज कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है।
नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू गेट अ 13 mm ड्राइवर इन इट, एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो आप कितने डिस्टेंस तक इसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। तो 10 मीटर्स की रेंज में अगर आप इसे कनेक्ट करके गाना वगैरह सुन रहे हो तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा, लेकिन 10 मीटर्स के रेंज के बाहर अगर आप जाते हो तो उसमें आपको सुनने में डिस्टॉर्टेड साउंड आता है। तो ये सब थी इसके फीचर्स, और अब इसके वेरियंट और प्राइस की बात कर लें। तो प्राइस की बात करें तो बॉक्स पर आपको देखने को मिल जाएगा 2990 MRP प्रिंटेड है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन या स्टोर्स में भी आप शॉप पे जाओगे तो ये आपको 1200-1300 में अप्रॉक्स मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो और कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं तो उसमें आपको 1000 के अप्रॉक्स ये आपको आसानी से मिल जाएगा। वेरियंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको 4 से 5 कलर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक, ऑलिव ग्रीन, वाइट और आपका ऑरेंज कलर में आपको ये अवेलेबल है। तो ये आपकी थी प्राइस और वेरिएंट। अब मैं आप बता देता हूँ इसके कॉन्स के बारे में, मतलब इसमें आपको क्या क्या मेनली जो मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट स्वेट प्रूफ। तो आपको इसमें क्या है कि आप अगर रनिंग और जिम में अगर यूज़ कर रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज करते वक्त इसे यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये ख़राबी हो जाएगा, लेकिन इट माइट get defected while you are using during exercise or while you are in the gym. इस ईयरबड्स में सेकेंड बिग डिसएडवांटेज ये है कि आपका इसमें बेस जो है वो कम है, बाकी के बोट के जो ईयरफोन्स आते हैं वायर वाले ईयरफोन्स तो उसमें आपको बेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका बेस थोड़ा कम है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफेक्ट मुझे इसमें लगा है वो है आपका, अगर आप इसे कॉल पर यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके मोबाइल से कनेक्टेड और आप इसे कॉल पर किसी से बात कर रहे हो तो इसमें आपको जो आवाज़ इसका क्लैरिटी आपके रिसीवर एंड पे क्लियर वॉइस नहीं जाता। ये मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट में नहीं देखा, सेम मॉडल के दूसरे प्रोडक्ट्स में भी मैंने ट्राई किया था तो उस दोनों में सेम इश्यू ही आ रहा था, जैसे कॉल पर जो रिसीवर एंड में था उसे मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी, और जो रिसीवर एंड है उससे मैंने पूछा कि आप क्या डिफेक्ट, मतलब क्या आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ हमिंग साउंड कमिंग एंड द वॉइस इज़ नॉट दैट क्लियर एज जो मैं अपने फ़ोन से बात करता हूँ या दूसरे ईयरफोन से कनेक्ट करके बात करता हूँ तो उसमें क्लियर वॉइस आता है, लेकिन जैसे ही मैंने ये कनेक्ट करके कॉल किया तो देयर वॉज अ हमिंग साउंड एंड वॉइस वॉज नॉट दैट क्लियर। तो ये सब थी इसकी प्रोज एंड कॉन्स, और कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो आपको इसे लेना चाहिए या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो। अगर आपका कॉलिंग वगैरह ज़्यादा है तो आप, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ना लो, आपको अगर कॉल्स वगैरह ज़्यादा अटेंड करना है तो आप इस प्रोडक्ट को ना लो, लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात करें उस पर्पस के लिए लेना तो यू कैन गो विद इट, और एल्स अगर कॉलिंग वगैरह के लिए लेना तो मैं रिकमेंड करूँगा तब आप मत लो। तो ये सारे फीचर्स थे, प्रोस थे, कॉन्स थे आपके बोट 131 एयरडॉप्स के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और प्रीवियस वीडियोस मैंने डाल रखा है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अगर आपको वो पसंद आए तो वीडियोस लाइक करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, थैंक यू।